12th फिजिक्स स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल्स पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू है। इसी के तहत मात्र एक प्रश्न इंटीजर टाइप, बहुत बेहतर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, केवल एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में है, शॉर्ट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर विचार कीजिएगा, IIT JEE 2009 में आया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को पॉज करके आप स्वयं करने का प्रयास करें, वो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज यहां देखिए क्वेश्चन कैसे समझा जाता है, क्या जाता है। स्टेडी करंट आई गोज थ्रू ए वायर लूप पी क्यू आर हैविंग शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद पी क्यू 3x, पी आर 4x और क्यू आर 5x, यानी कि 3, 4, 5 रेशियो वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि मैजिक ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, जिसका एक एंगल 37 दूसरा 53 होता है। तो पहले आप एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना दें जो 3, 4, 5 किसमें दिखाई दे रहा। यस इट इज 3x 4x 5x, ये श्योर यही होंगे। अब आप पी क्यू आर कैसे, ये जरा देख लीजिए आराम से। वगैरह पी क्यू 3 होना चाहिए और पी आर पहले देख लीजिए 5x QR और 3x PQ, ठीक है। तो अपना भी PQ 4x हो जाएगा, PR यहां PR 4x है। ओके हो गया, डन हो गया, परफेक्ट। क्यों मैंने QR से पहले किया था, हो सकता है क्यों यहां पे R यहां पे होता, ठीक है। तो ये चीज चेक कर लेनी चाहिए पहले, राइट एंगल। I करंट फ्लो हो रहा है इसमें, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस लूप इज गिवन है, के जानना चाहते मैग्नेटिक फील्ड एट पी है इस पॉइंट पे, इसकी वजह से, इसकी वजह से कोई फील्ड नहीं होगा, सिर्फ इसकी वजह से होगा। डायरेक्शन नीचे जारी होगी तो अंदर की तरफ, ऊपर जारी होगी तो बाहर की। पर डायरेक्शन का कहीं कोई उसका मतलब नहीं है, कहीं भी हो मतलब होता डायरेक्शन से, तो फिर इसमें एंड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है ये इसको कहना पड़ता फिर, ठीक है। तो इसे केवल वैल्यू से मतलब है, तो आप अपने हिसाब से कैसे भी पी क्यू क्यू टू आर और आर टू क्यू आई करंट इज फ्लो। ओके, इस पार्ट की वजह से यहां फील्ड होगा, वो हमें निकालना है, उसने दे रखा है, उसे मैच करना, तो के की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। अब आपका काम इस फिनिट साइज के करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के कारण यहां फील्ड निकालना। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, एक लाइव क्लास हुई थी बहुत लंबी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेस से पूछे गए थे और वहां भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को बताया था। यहां भी देख लीजिए, अगर एक फिनिट साइज हो करंट आई कैरी कर रहा हो और कोई पॉइंट जिससे क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर पर हो, यहां भी फील्ड निकालना है। तो ये फील्ड राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग इन साइड होगा और ये क्लोजेस्ट या नियरेस्ट डिस्टेंस से अपर एंड जो एंगल बना रहा है और लोअर एंड जो एंगल बना रहा है, ये एंगल्स अगर 51 और 52 हो तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर
साइन फाइ वन प्लस साइन फाइ टू। इस कॉन्सेप्ट का यहां यूज होना है, इसके लिए आप तैयार हैं, वही हम यहां काम करेंगे। देखिए कैसे इससे इसकी क्रॉसेस डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर वो चाहिए, तो पहले ड्रॉ द परपेंडिकुलर। इस डिस्टेंस की आवश्यकता है, दूसरा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक एंड कितना एंगल बना रहा है, ये फाइ वन होगा, और दूसरा एंड कितना एंगल बना रहा है, ये फाइ टू होगा। इन एंगल्स से बस आर और फाइ वन फाइ टू चाहिए होते हैं, बस आर फाइव वन फाइव टू, बाकी सब तू दे रखा। 3x, 4x, 5x, यानी 3, 4, 5 रेशियो वाले में जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है वो होता 37, बाकी बचा 53, 53, 90, तो फिर 37 हो जाएगा, टोटल 90 है, तो 53। और आप लोग एक मैच टाइम में पहले बनाना चाहिए जिसका रेशियो 3, 4, 5 हो, इसका ये एंगल होता है 37, ओके, ये 53। इस ट्रायंगल का यूज किया जा सकता है। अब ये रह गया पी एम निकालना, तो प्यारे बच्चों एंगल पी क्यू एम में ये डायगोनल है 3x, 3x का cos 37 कंपोनेंट होगा, बस ये PM is equal to 3x का cos component, cos 37। और cos 37 based upon hypotenuse 4.5, 3, 4 जा 12x upon 5, it's okay। अब सब निकल गया, R उत्तर चल गया, 5 उत्तर चल गया, बस that's all। So नेट फील्ड वी इज इक्वल टू एवर न्यू फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट आई कह रहा है और डिस्टेंस क्रॉसेस डिस्टेंस आएगी पी एम, यानी कि 12x अपॉन 5 और साइन 5 1, साइन 5 1 37 प्लस साइन 5 2 53, ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 5 आई अपॉन 12x साइन 37 3/5 और साइन 53 दिस साइन 53 पर पेरेंट हैव बीन, या साइन 53 को साइन 90 माइनस 37 तो cos 37 आ जाएगा, cos 37 4/5 किसी भी तरह से कर लीजिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 5 आई अपॉन 12x और 7/5, जस्ट 5 कैंसिल, ये बोर्ड चेक कर लेता हूं सही चल रहा है। तो b की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है k इंटू म्यू नॉट आई अपन 48 पाई x, जो कि हमारी आ रही है 7 म्यू नॉट आई, तो ठीक है 7 भाग लीजिए म्यू नॉट आई अपॉन 1248 48 पाई x, ओके, बैट के इनर पोर्शन बिल्कुल एक्यूरेट सही है, सो डेफिनेटली k इज इक्वल टू 7, k इज इक्वल टू 7, सिंपल।